जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता रानी की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अंबाला शहर की ओर से हम आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्री दुर्गा नवरात्रों का पावन महोत्सव चल रहा है और आज हम इसी उपलक्ष में आपको सुनाने जा रहे हैं श्री दुर्गा सप्तशती के रात्रि सूक्त का हिंदी में पाठ। तो उसको आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि ध्यान से सुनी गई और श्रद्धा भावना से सुनी गई कथा का पाठ का पूरा फल मिलता है। तो श्री रात्रि सूक्त का पाठ इस प्रकार है। बोल माता रानी की जय। अब श्री रात्रि सूक्त का हिंदी में पाठ। महातत्व आदि रूप व्यापक इंद्रियों से सब देशों में समस्त वस्तुओं को प्रकाशित करने वाली ये रात्रि रूपा देवी अपने उत्पन्न किए हुए जगत के जीवों के शुभाशुभ कर्मों को विशेष रूप से देखती हैं और उनके अनुरूप फल की व्यवस्था करने के लिए समस्त विभूतियों को धारण करती हैं। ये देवी अमर हैं और संपूर्ण विश्व को नीचे फैलने वाली लता आदि को तथा ऊपर बढ़ने वाले वृक्षों को भी व्याप्त करके स्थित हैं। इतना ही नहीं, ये ज्ञानमयी ज्योति से सब जीवों के अज्ञान रूपी अंधकार का नाश कर देती हैं। पराचित शक्ति स्वरूप रात्रि देवी आकर अपनी बहन ब्रह्म विद्यामयी उषा देवी को प्रकट करती हैं, जिससे अविद्यामय अंधकार स्वतः नष्ट हो जाता है। वे रात्रि देवी इस समय मुझ पर प्रसन्न हो, जिनके आने पर हम लोग अपने घरों में सुख से सोते हैं। ठीक वैसे ही जैसे रात्रि के समय पक्षी वृक्षों पर बनाए हुए अपने घोंसलों में सुख पूर्वक शयन करते हैं, उस करुणामयी रात्रि देवी के अंक में संपूर्ण ग्रामवासी मनुष्य, पैरों से चलने वाले गाय, घोड़े आदि पशु, पंखों से उड़ने वाले पक्षी एवं पतंग आदि, किसी प्रयोजन से यात्रा करने वाले पथिक और बाज आदि भी सुखपूर्वक सोते हैं। हे रात्रिमयी चित्त शक्ति, तुम कृपा करके वासनामयी वृक्ष तथा पापमय वृक्ष को हमसे अलग करो। काम आदि तस्कर समुदाय को भी दूर हटाओ। तदनंतर हमारे लिए सुखपूर्वक तरने योग्य हो जाओ, मोक्षदायिनी एवं कल्याणकारिणी बन जाओ। हे उषा, हे रात्रि की अधिष्ठात्री देवी, सब ओर फैला हुआ यह अज्ञानमय काला अंधकार मेरे निकट आ पहुंचा है। तुम इसे ऋण की भांति दूर करो। जैसे धन देकर अपने भक्तों के ऋण दूर करती हो, उसी प्रकार ज्ञान देकर इस अज्ञान को भी हटा दो। हे रात्रि देवी, तुम दूध देने वाली गौ के समान हो। मैं तुम्हारे समीप आकर स्तुति आदि से तुम्हें अपने अनुकूल करता हूँ। परम व्योम स्वरूप परमात्मा की पुत्री, तुम्हारी कृपा से मैं काम आदि शत्रुओं को जीत चुका हूँ। तुम स्तोत्र की भांति मेरे इस हविष्य को भी ग्रहण करो। तो इस प्रकार श्री दुर्गा सप्तशती के रात्रि सूक्त का यहाँ पर समापन होता है। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अंबाला शहर की ओर से आपके लिए छोटी सी जरूरी सूचना। श्री दुर्गा सप्तशती के सभी 13 अध्यायों की वीडियो हमारे चैनल पर डाल दी जाएंगी। उनमें से अभी तक 5 अध्याय की वीडियो हमारे चैनल पर आ चुकी हैं और नवरात्रों के बाद जो कार्तिक मास आने वाला है, उसी कार्तिक मास के महात्म्य की कथा भी हमारे चैनल पर आएगी। सभी अध्यायों की, कार्तिक मास के सभी अध्यायों की कथा हमारे चैनल पर आएगी। कृपया आप उससे भी अवश्य सुने और उसके लिए आप मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली सभी कथाओं को आप सुन सकें। तो हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अंबाला शहर की ओर से आपका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, माता रानी की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधे कृष्ण जी, जय माता रानी की।